दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ पिंकी और आज है 23 नवंबर। तो आज मेरा है बर्थडे और मुझे बर्थडे विश करना ना भूलें। और देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने इस तरीके की सिंपल चूड़ियाँ पहनी हैं और देखिए ऐसे फ्रॉक सूट मैंने डाला हुआ है। मैं पूरा लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे मंदिर और इसके बाद देखते हैं कि कहाँ घूमने जाते हैं। और अपनी विशेष और अपनी शुभकामनाएँ देना मुझे ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। और मैं आधी से ज़्यादा तैयार हो गई हूँ एक्चुअली, अभी थोड़ा सा और तैयार होना बाकी है। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के आगे, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अभी के लिए बाय बाय। तो ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक और ये कुर्ता बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसका कलर थोड़ा सा चेंज दिख रहा है इसमें, बट ऐसा नहीं था क्योंकि लाइटिंग प्रॉब्लम थी। तो ये देखिए एकदम ब्लू कलर में था और हम लोग निकल गए। और ये भोपाल से बैरसिया का रोड है और भोपाल से बैरसिया की दूरी 40 किलोमीटर है और हम लोग जा रहे हैं आज तरावली मंदिर। और तरावली मंदिर जो है, मतलब तरावली जो है मंदिर, वो 35 किलोमीटर दूर है। मतलब भोपाल से बैरसिया के लिए चलते हैं हम, तो 35 किलोमीटर जाने के बाद में एक जोड़ पड़ता है तरावली जोड़, वहाँ से हम लोग तरावली मंदिर के लिए निकलते हैं। यहाँ पर माता रानी का मंदिर है और 9 देवियाँ हैं वहाँ पर और बहुत ही प्यारा मंदिर है। मतलब नव दुर्गे के टाइम में तो बहुत मान्यता है और वहाँ के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पर। तो आज हम लोग भी, मेरा पूरा परिवार के साथ में मैं जा रही हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए तरावली जोड़। तो तरावली देखिए लिखा भी है, 4 किलोमीटर है यहाँ से जोड़ से अंदर। और जोड़ जो है ना, तरावली जोड़ मतलब रोड पे जो बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके का जो है गेट बना हुआ है वहाँ पर माता रानी के दरबार में जाने के लिए। तो देखिए यहीं से जब हम लोग पार होते हैं ना, तो हमारे मन में ऐसा, मतलब एकदम ऐसी श्रद्धा भावना उत्पन्न होती है और इतना सुकून मिलता है ना। और आज तो हम चारों जा रहे हैं, वैसे मेरी बहन के साथ मैं कई बार गई हूँ बट इनके साथ में जाना मेरा कम होता है। तो माता रानी का बोलते हैं ना, जब बुलावा आता है तभी जाना होता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मैंने बोला कि प्रसाद वगैरह भी चढ़ा करके आ जाएंगे, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, जब भी मेरा बर्थडे आता है ना, तो मैं हर बार जहाँ भी होती हूँ ना, चाहे मैं इनके साथ में रहूँ या इनसे दूर रहूँ या कहीं भी रहूँ, तो मंदिर जाना पसंद करती हूँ सबसे पहले सुबह उठ करके। तो सुबह उठ करके तो नहीं हो पाया, इन्होंने बोला कि आज हम लोग दूर वाले मंदिर चलेंगे, तो आप लोग तैयार होके चलिएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज आ गए तैयार होके इधर। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बर्थडे के दिन मंदिर जाना ना बहुत अच्छा लगता है। और ये दूरी भी देखिए हमारी तय हो गई है और अब हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के बहुत करीब। और ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना, ये पूरा मेले से भरा रहता था, बट अभी कोरोना के टाइम में ना ऐसे हो गया है कि सब कुछ बंद हो गया है। और ये लोग देखिए यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद तीनों, और बच्चे भी खड़े हुए हैं। गाड़ी हमने पार्किंग कर दी है और प्रसाद वाले तो आप लोग देखते ही हैं मंदिर पे, ये दुकान से ले लो, इससे ले लो, रोकने वाले, गाड़ी खड़ी करने वाले पहले से ही लगे रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और पहले तो बहुत ज़्यादा एकदम मार्केट के जैसा भरा रहता था, बट अभी कम हो गया है कोरोना के टाइम में। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आ गए हैं तरावली मंदिर और अभी जा रहे हैं ऊपर, प्रसाद वगैरह ले लिया है। वापस आएंगे ना तब। तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर में ऊपर, और ऊपर जाने के लिए सर पे दुपट्टा पहले ले लेती हूँ, इसके बाद मंदिर में जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर और बेटा भी जा रहा है, देखिए प्रसाद रख लिया उसने, और बेबी देखिए आगे आगे जा ही रही हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। तो बहुत खुश हैं बच्चे और बहुत दिनों के बाद घूमने आते हैं ना, आजकल बहुत दिनों के बाद घर से निकलना होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं हमेशा कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, आज हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज चलो घूमने का हो रहा है। ये है दर्द हुआ, होते
फोटो खींचना मना। क्या हो गया? सब कुछ हो गया, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया और बच्चे देखिए धूप खा रहे हैं। बीवी को भभूति मिल गई है, खा रही है, बोल रही है बहुत टेस्टी है। और मैं भी धोख कर लेती हूँ कि माता रानी सबको खुश रखे और आप लोगों को भी खुश रखे। बेबी भी कर रही है और ईशु के पास भी देखिए कितनी सारी भभूति उसने ली है और देखिए कैसे खा रहा है, बोल रहा है बहुत टेस्टी है। और ये है पीछे वाले मंदिर जहाँ पर मतलब भैरव बाबा का भी स्थापना है। बोलते हैं ना कि माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी जो है विनती स्वीकार होती है। तो इसलिए हम लोग पीछे भी आए हैं और पीछे बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर 9 देवी विराजमान है। यहाँ पर 9 जो बहनें होती हैं वो एक ही जगह पर एक ही मंदिर में है ना, तो देखने में इतना सुकून मिलता है। और नौ दुर्गे के टाइम में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर नीचे से ही लाइन लगती है तो दिन भर निकल जाता है माता रानी के दर्शन के लिए, फिर भी इतनी आसानी से दर्शन नहीं हो पाते हैं। और कोरोना के टाइम में हम लोग शांति के टाइम में आए हैं ना, तो इतने आराम से दर्शन हो गए कि बहुत अच्छे से। तो आप लोग भी जाइएगा ऐसे घूमने। तो अब जा रहे हैं हम लोग वापस। और आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और ये देखिए इधर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, यहाँ नारियल चढ़ाने का ऊपर नहीं है, नीचे ही चढ़ा रहे हैं। और ये नारियल निकल गया है ख़राब, और जब नारियल ख़राब निकलता है ना तो बोलते हैं कि भगवान ने आपका प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो इधर साइड में मैं आपको जगह दिखाती हूँ, साइड में जो जगह है ना, यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह के और बहुत सारी शादियाँ यहाँ पर होती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। कुछ जगह जो है बंद है अभी, बट आप इतना ही देख लीजिए। देखिए धर्मशाला वगैरह बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और जय माता दी ज़रूर लिखें कमेंट में। तो सब्सक्राइब कर करके जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें, ताकि माता रानी आपके हमारे साथ साथ आपकी मनोकामना भी पूरी करे। और इसी के साथ देखिए ये लोग खिलौने खरीद रहे हैं। तो बेटा को तो कोई खिलौना पसंद नहीं आ रहा था, बोल रहा था मुझे तो रोबोट कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो उसके पापा ने बोला यहाँ रोबोट कार नहीं मिलती है, आपको जो खिलौना अच्छा लग रहा हो ले लो। तो बेबी तो बोल रही थी मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, फिर एक काऊ दिख गई तो उसको पसंद आ गई, शायद वो वही लेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से, और बाहर से इस तरीके का मंदिर है और बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आ करके। ले लो, दर्शन कर लिए हम लोगों ने, अब जा रहे हैं हम लोग घर। तो मैंने चूड़ी वगैरह ली है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी घर जा करके। बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे आके। तो माता रानी के दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं आपसे घर पहुंच करके, इसके बाद बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग पीछे का बैकग्राउंड देख करके सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो हम लोग एक्चुअली आ गए हैं मम्मी के घर, मंदिर से सीधे हम लोग मम्मी के घर आ गए थे और मंदिर का दर्शन हम लोगों ने कर लिया, आप लोग भी कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने न्यू वीडियोज़ जो हैं आप लोगों को इसी तरीके से देती रहूं। और आज के लिए बस इतना ही, और मेरी बर्थडे पार्टी का जो है वीडियो जो है सेकेंड पार्ट में आएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज मैं अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ और अपना बर्थडे जो है मैं यहीं पर मनाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।